जेपी नड्डा हैं अभी मौजूद हैं, प्रधानमंत्री को उन्होंने रिसीव किया और वो इस वक्त श्रद्धांजलि प्रधानमंत्री दे रहे हैं, तो निश्चित तौर पे अक्रॉस द पार्टी लाइन। बिल्कुल, इस वक्त हम नितेंद्र देख सकते हैं सी तस्वीरों में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं सुषमा स्वराज को अंतिम विदाई देने। शोकाकुल परिवारजनों से इस वक्त वो बात कर रहे हैं, सांत्वना दे रहे हैं, उनकी बेटी से इस वक्त वो मुखातिब हैं। बेहद शोकाकुल और स्तब्ध नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके ट्विटर संदेश में हमने उनके दर्द को महसूस किया। Prime Minister in his Twitter handle had clearly said, "A glorious chapter in Indian politics coming to an end. India grieves the demise of a remarkable leader who devoted a life to public service and bettering the lives of the poor." Sushma Swaraji was one of her kind, who was a source of inspiration for crores of people. अपने आखिरी संदेश में भी सुषमा स्वराज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। आखिरी संदेश से पहले, अपने निधन से पहले, हमेशा लोगों की मदद के लिए तत्पर रहने वाली एक ऐसी राजनेता के तौर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सुषमा स्वराज को याद किया था और अपने शोक संदेश में